दोस्तों छह चरण की वोटिंग हो चुकी है और छह चरणों में किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले अखिलेश यादव ने जरूर राहुल गांधी का साथ मिला है, लेकिन अखिलेश यादव ने किस तरीके से गुर्दे छील कर रख दिए हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं की, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालत ये हो गई है कि अब एनडीए में दरार पड़ने लग गई है। एनडीए की सहयोगी दल जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, उनकी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की ये ऐलान करने लगी है और अपील करने लगी कि बीजेपी को वोट कास्ट मत करिएगा। सोचिए जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिले हुए बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपील की जा रही है नीतीश कुमार की खासम खास नेता शालिनी सिंह की तरफ से कि आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट कीजिए, क्योंकि बात लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि जेडीयू से लेकर बीजेपी के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समझ गए हैं इस बार लहर उड़नछू हो गई है मोदी जी की, और अखिलेश यादव ने किस तरह से गुर्दे छील कर रख दिए। आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और ये सातवें चरण की वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद बीजेपी हांफने लग गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अखिलेश यादव ने लगातार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण में किस तरह से प्रचार किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। भाषाई मर्यादा जो होती है वो ना अखिलेश यादव ने तोड़ी और ना ही तोड़ी राहुल गांधी ने, लेकिन हां जो तोड़ रहे हैं वो कौन कौन है, मोदी जी हैं, तोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तोड़ रहे हैं अमित शाह, लगातार ये दावा किया जा रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बौखलाहट और छटपटाहट देखने को मिल रही है। लेकिन सातवें चरण में आकर कैसे बीजेपी की सांसें अटक गई हैं, उनके दिग्गज नेताओं की सांसें अटक गई हैं, आज मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए। तो ये गाजीपुर की तस्वीर है, इसे पंकज राजभर ने ट्वीट किया, तमाम जगह वीडियो में देख सकते हैं। इसमें लिखा है गाजीपुर इस बार इतिहास रचने जा रहा है। ऐसी एक और वीडियो पंकज राजभर ने ट्वीट किया और लिखा 45 डिग्री का तापमान है और अखिलेश यादव के चाहने वाले तमाम है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर में अखिलेश यादव आपको मंच पर जाते हुए नजर आएंगे और इसे सूर्या समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा कि अखिलेश जी का गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती पर आगमन रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब है, यानी भीड़ बेतहाशा नजर आ रही है। याद करिएगा एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी फूलपुर सीट से, जहां सब कुछ ध्वस्त हो गया था, यानी रिकॉर्ड टूट गया था, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी बड़े नेता की रैली में इतनी भीड़ नहीं थी। जब अखिलेश यादव फूलपुर पहुंचे थे तो वहां बैरिकेडिंग टूट गई थी, लोग देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। यही स्थिति गाजीपुर सीट पर है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं जिन 57 सीटों पर 1 जून यानी सातवें चरण के वक्त वोटिंग होगी, उन 57 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र यानी गोरखपुर में से वोटिंग है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग है, मिर्जापुर सीट पर वोटिंग है, अलग अलग जगह वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इन 13 सीटों में से दावा किया जा रहा है तकरीबन 9 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी हांफती नजर आ रही है। कौन कौन सी सीटें पहले मैं आपको दिखा देता हूं और ये समझना जरूरी है। आपको तो मालूम है गाजीपुर सीट पर क्या हाल आता है, मैंने भी आपको दिखा दिए, इसे देखिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और लिखा कि यूपी के सातवें चरण का घमासान, कई दिग्गज मैदान में, इन सीटों पर खास नजर, यहां फंसा पेच। कहां फंसा है पेच, ये देखिए पहले क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए यूपी की 13 सीटों, जिसमें महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव है, घोसी है, सलेमपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, वाराणसी है, मिर्जापुर है और रॉबर्ट्सगंज सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर सीट पर भी वोटिंग होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनाव मैदान में है। माना जा रहा है घोसी, सुन लीजिए लिखा हुआ है, घोसी, गाजीपुर और मिर्जापुर में पेच फंसा हुआ है। गाजीपुर की तस्वीर आपने देख ली, गाजीपुर में पेच कैसे फंस गया मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हाल ही में इंतकाल हुआ मुख्तार अंसारी का, पहले तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से सबने कहा क्या, यह हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है। लेकिन गाजीपुर की जनता ने वो लेटर देख लिया था जिसमें मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन को लिखा था कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, फौरन अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और जैसी जेल आए उनका इंतकाल हुआ। लगातार तमाम तरह के सवाल उठे लेकिन अपना पल्ला झाड़ने के लिए कहा गया यह हार्ट अटैक से मौत है। लेकिन उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ प्रचार करने उतरे और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया जैसे मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है बल्कि साजिशन उनकी हत्या की गई, इस तरह की जैसे उन्होंने सफाया कर दिया। ये सफाया शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने किया, इसलिए गाजीपुर में उल्टी लहर बहने लगी है। अफजल अंसारी वहां समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, गाजीपुर सीट हाथ से गई। अब आई दूसरी घोसी सीट। घोसी सीट पर पिछली बार भी आपको मालूम होगा उपचुनाव हुआ था
और उस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी थी। ये योगी आदित्यनाथ समझ रहे थे कि घोसी सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा और घोसी सीट उपचुनाव में हार गई थी। घोसी सीट में इस बार भी खेल होने जा रहा है, ये तय हो चुका है। अब तीसरी सीट आई है मिर्जापुर की। मिर्जापुर की सीट इसलिए फंस गई है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने राजा भैया और तो और अखिलेश यादव के बीच तनाव को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी, उनको लगा राजा भैया को साथ ले आएंगे, क्षत्रिय साथ आ जाएंगे, पूर्वांचल की सीटों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब राजा भैया लौटे अमित शाह से मुलाकात करने के बाद तो उन्होंने देखा कि उनका अपना समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है, इसलिए उन्होंने ना समाजवादी पार्टी का साथ दिया और ना ही बीजेपी का। लेकिन इस बीच आती हैं मिर्जापुर से ताजा तरीन प्रत्याशी अपना दल एस की अध्यक्ष और तो और मोदी कैबिनेट में मंत्री अनुप्रिया पटेल, वो राजा भैया पर तंज कसने लगी थी। इस बात को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ गई, पहले कौशाम्बी उसके बाद प्रतापगढ़ और तीसरी सीट यानी मिर्जापुर को लेकर राजा भैया की पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया वो बीजेपी को नहीं सीधे सीधे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और यहीं से अनुप्रिया पटेल की ये सीट फंस गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हार भी जाए तो बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। तीन सीटें फंसी हुई हैं। अब आगे की सीटों के बारे में बता देता हूं। वाराणसी में आपको मालूम होगा और आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया भी, 13 मई को वाराणसी में मोदी जी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। उसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अपनी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री, एनडीए के घटक दल जिसमें नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी सबको बुलाया गया। वाराणसी में 10 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद थी लेकिन जुटी 5 लाख। दावा किया गया बाहर से भी लोग आए थे तब जाकर 5 लाख की भीड़ मोदी जी की रैली में जुट पाई, लेकिन उसके बाद आश्वस्त थे जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव वहां पर पहुंची यानी 25 तारीख को डिंपल यादव ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर रोड शो किया तो सारे रिकॉर्ड टूटे। 15 लाख से ज्यादा लोग वाराणसी में खड़े नजर आए, यानी रैली जबरदस्त देखने को मिली थी वहां पर। यानी कुल मिलाकर बीजेपी बेचैन हो गई है। वाराणसी से भी अगर अशुभ खबर बीजेपी के लिए आ जाए तो हैरानी वाली बात नहीं, यानी चार सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अब आ जाइए पांचवीं सीट का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। पांचवीं सीट है कुशीनगर और छठी सीट है देवरिया। आप कहेंगे कुशीनगर देवरिया कैसे, तो आप ये समझ लीजिए, लगातार वैसे तो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते रहे हैं कि भाई वो ठाकुरों की सरकार चलाते हैं, ठाकुर माफिया उन्हें बख्श देते हैं, ब्राह्मणों को लेकर किस तरह का रवैया है, लेकिन इस बार हाल ही में उन्होंने छटपटाहट में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था। गोरखपुर में कहा जाता है कि जो हाटा है और उनके बीच में, हाटा के जो सर्वसर्वा थे और यहाँ पर आश्रम के बीच में इनका जो मठ है इसके बीच में लगातार प्रतिद्वंद्वता है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था वहाँ के कद्दावर नेता के लिए जो ब्राह्मण है उनके लिए कहा था कि उनको भगा दिया, हदेड़ दिया था। इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुशीनगर और देवरिया जो सीटें हैं वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसको लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी, अब तक क्षत्रिय समाज नाराज था, अब नाराज ब्राह्मण समाज भी आ रहा है कि भाई पूर्वांचल में इस तरह की स्थिति, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों, तो कुशीनगर और देवरिया से फिसल सकती है। बलिया सीट पर पहले से ही हालत यह कर रखी है, बीजेपी हालत वहां पर कमजोर है हर कोई जानता है। यानी कुल मिलाकर 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है बीजेपी की। यानी 13 के इस चक्रव्यूह में जब घुसेगी बीजेपी 1 जून को तो मात्र माना जा रहा है 3 से 4 सीटें भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।